वाओ, पोहे का उत्पम इतना टेस्टी, वो भी तड़के वाला। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा गुप्ता। वेलकम टू घर का मैजिक। चलिए जानते हैं पोहे का उत्तपम कैसे बनाते हैं। एक बाउल पोहा ले रही हूँ। पोहा को इस तरह मैंने छन्नी में रख दिया है। छन्नी में रखने के बाद ऊपर से मैं इसको पानी डाल के से भून लूंगी। अब 5 मिनट बाद पोहा को मैं मिक्सी में ले रही हूँ। अब डाल रही हूँ 1 कप दही, 5 चम्मच गेहूं का आटा, थोड़ा सा नमक। अब इसको मिक्सी में पीस लूंगी। इसको मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद एक बाउल में निकाल लूंगी। आपको जो सब्जी पसंद हो उन सब्जियों को धुल के और बारीक बारीक उसको काट लीजिए, यानी चॉप्ड कर लीजिए। मैंने इसको कुछ को कद्दूकस कर रखा है और कुछ को काट रखा है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ कॉलीफ्लावर यानी गोभी, इसको भी कद्दूकस कर लिया है। ये कैबेज यानी पत्ता गोभी, इसको भी कद्दूकस कर लिया है। टोमेटो टमाटर को भी बारीक से काट लिया है। ये साथ में मैं कैरेट ले रही हूँ, गाजर, थोड़ा सा जिंजर, अदरक को भी काट लिया है और हरी मिर्च स्वादानुसार। साथ में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा हरी मटर, थोड़ा सा सोडा, आधा चम्मच सोडा, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा धनिया की पत्ती, नमक तो मैंने डाल ही दिया था। अब इसको अच्छे से मिला लूंगी। अगर थोड़ा कम लगता है पानी तो पानी मैं और ले सकती हूँ, मैंने दही में तो इसको पीसा ही है। अब इसे अच्छे से मिला लूंगी। इसको मैंने मिला के अच्छे से पूरा टेस्ट कर लिया जरा सा। इसमें मुझे नमक कम लग रहा है, थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ। अगर आपको मिर्च भी कम लगता है थोड़ा मिर्च और डाल दें। अब इसको अच्छे से मिला के मैं 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब एक तवा रख रही हूँ, पैन रख रही हूँ। ये पैन गर्म हो गया है। अब इसमें मैं घी लगा रही हूँ, घी ऑयल आपकी पसंद है इस तरह। अब ये 5 मिनट के बाद मैं इसको पैन में, गर्म पैन में इस तरह फैला दूंगी। कुछ सब्जियां मैं ऊपर से लगाऊंगी, आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ इसमें नारियल के लच्छे, हरी नारियल के लच्छे, जो नारियल को कद्दूकस कर लिया था, थोड़ा सा धनिया की पत्ती, थोड़ा सा टमाटर। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए अभी बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक दे रही हूँ। ये 5 मिनट के बाद खोल के चेक कर रही हूँ जरा सा। अब इसमें मैं बीच में 5 मिनट बाद तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का पैन लिया है। तड़का पैन में मैंने 2 चम्मच करीब 1 चम्मच घी डाला है। घी में मैं डालूंगी रेड सूखी मिर्च, 1 चम्मच राई, थोड़ा सा हींग, कड़ी पत्ता। अब गैस ऑफ कर रही हूँ। अब ये तड़का मैं इस पे लगाऊंगी उत्तपम में। ये राई कड़ी पत्ता का तड़का वाला उत्तपम बिल्कुल अब तैयार होने वाला है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो गैस पे और ढक रही हूँ। अब हाथ बचा के इसे मैं चेक करती हूँ खोल के। वाओ, पोहा का तड़के वाला टेस्टी और हेल्दी उत्तपम बिल्कुल तैयार हो गया है। नीचे से क्रिस्पी, ये देखिए नीचे से क्रिस्पी और ऊपर से सॉफ्ट यानी मुलायम उत्तपम तैयार हो गया है। अब इसे गैस ऑफ करके और मैं सर्व प्लेट में निकाल रही हूँ गर्मा गर्म। ये पोहा उत्तपम बनके तैयार हो गया है। आप इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ खाइए। आप चटनी की रेसिपी हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप ये बनाइए खाइए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। थैंक यू।